अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली हसीम का सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले हाउस होल्ड आइटम्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को वॉशिंग पाउडर के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों वॉशिंग पाउडर बेसिकली एक क्लीनिंग एजेंट होता है, और दोस्तों वॉशिंग पाउडर जो है लॉन्ड्री डिटर्जेंट की एक किस्म है, और दोस्तों साबुन से सस्ता होता है, इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है, कन्वीनियंट होता है, पोर्टेबल होता है, जैसे मर्जी से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों गंदे मैले कुचैले कपड़ों से दाग धब्बों को निकाल बाहर करता है। दोस्तों बहुत सारी सतहों से, शीशों से, मेटल से और फाइबर से ऑयल को ख़त्म कर देता है। दोस्तों वॉशिंग पाउडर बहुत सारी किस्म के आते हैं, कुछ सफ़ेद कपड़ों के लिए बने होते हैं, कुछ सफ़ेद और रंगीन दोनों कपड़ों के लिए बने होते हैं। दोस्तों वॉशिंग पाउडर का जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो बोरेक्स पाउडर होता है, धोबी सोडा होता है और सोप बेस होता है। और दोस्तों इसे घर के अंदर बनाना बहुत आसान है, तो आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए घर के अंदर वॉशिंग पाउडर बनाना भी आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपने लाजमी देखनी है। दोस्तों इसके अंदर मैं डिटेल जो है सफ़ेद कपड़ों के लिए और रंगीन कपड़ों के लिए वॉशिंग पाउडर बनाना आपको सिखाऊंगा, आप आसानी के साथ घर के अंदर बना सकते हैं। और दोस्तों वॉशिंग पाउडर हर किस्म के पानी के अंदर आसानी के साथ यूज़ किया जा सकता है, और दोस्तों खारे मीठे पानी दोनों में यूज़ किया जा सकता है। और दोस्तों वॉशिंग पाउडर को ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों वॉशिंग पाउडर जो है केमिकली तौर पर अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है। और दोस्तों वॉशिंग पाउडर आपको हर छोटे मोटे जनरल स्टोर से, परचून शॉप से आसानी के साथ मिल जाता है, आप इसे ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। चले दोस्तों ये तो थे वॉशिंग पाउडर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स सब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों ऐसे अफराज जो रोजाना रूटीन के अंदर वॉशिंग पाउडर को इस्तेमाल करते हैं, और दोस्तों क्योंकि ये ऑयल को जिस्म में से ख़त्म कर देता है, मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है, इस वजह से इसे मुसलसल इस्तेमाल करने से स्किन जो है रफ़ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, स्किन के ऊपर खारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे अफराज जो सेंसिटिव जल्द वाले हैं वो तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ उनकी स्किन जो है मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों जब भी आप वॉशिंग पाउडर को इस्तेमाल करें कपड़े धोने के लिए या सफाई करने के लिए, शीशा की सफाई करने के लिए या कोई मेटल आप पीस को साफ करें, तो उसके बाद हाथ धोने के बाद कोई भी अच्छी क्वालिटी का ऑयल लगा लें हाथों के ऊपर, दोस्तों फिर आप जो है वॉशिंग पाउडर के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वॉशिंग पाउडर के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दिए आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपको कोई सवाल है वॉशिंग पाउडर के हवाले से तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा भी आप किसी और रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली अशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमती वीडियोज़ ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो दोस्तों उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोज़ भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मुझे जॉली हसीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।